everyone. So it's a great news. Now Jan intake, Jan 2024 intake भी हमारा start हो गया है. Applications, offer letters आना start हो गए हैं. So without wasting your time, ठीक है, because बहुत सारे students को लगता है कि अभी बहुत time है, अभी result आने देते हैं या IELTS का result आ जाएगा या अभी 10 दिन के बाद बुक करवा लेते हैं. ऐसा नहीं है, बहुत सारा लगता था. देर वॉज अ टाइम लाइक इन 2017-18 में जब ऑलमोस्ट जैन इनटेक शुरू ही जुलाई अगस्त में होता था, बट नहीं, अब जैन इनटेक ऑलरेडी शुरू हो चुका है. ठीक है, इसलिए अभी वो वाला टाइम नहीं रहा कि एक इनटेक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा. सीट्स फुल कभी भी हो सकती हैं. सो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपना जैन इनटेक के लिए प्रोसेस स्टार्ट करवाओ, एडमिशन शुरू हो करवाओ, अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करो. बट यस, ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए थिंक बिफोर यू चूज़ योर कंसल्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पे सबको पता है कि ऑफ़र लेटर के नाम से और वीज़ाज़ के नाम से, फाइल्स के नाम से काफ़ी सारा फ्रॉडलेंट हो चुका है. ठीक है, फेक ऑफ़र लेटर दिए जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप आए और मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये सीट नहीं है, बट आपका पर्टिकुलर चॉइस उसके लिए कि मैंने तो जाना ही यहाँ पे है, मैं मना कर रही हूँ, तो विच मीन्स कोई कारण है. मतलब अगर कोई आपको मना कर रहा है, मतलब आप मेरे पास आए कि मैंने इस कॉलेज में जाना, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि सीट नहीं है, विच मीन्स ऑब्वियसली अगर सीट मेरे लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए सीट्स उन्होंने एक्स्ट्रा रखी होंगी. ऐसा कहीं नहीं होता. हर कॉलेज, हर एक एम्बेसी सबके लिए रिक्वायरमेंट सेम रखती है, ये कोई वेरी नहीं करती वन ऑन वन. ठीक है, वीज़ा ऑफिसर किसी का नोन नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है जो हर बंदे के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स चेंज करेगा. ठीक है, सो क्वेश्चन आपका हमेशा थोड़ा सा फेयर होना चाहिए. जनरली आप पूछते हो कि फ़ाइल लगाऊं, फ़ाइल लग जाएगी. फ़ाइल लगाने में और वीज़ा लेने में फ़र्क है. फाइल लग, ऑफर लेटर आ गया विच डज़ नॉट मीन आपका वीज़ा आ गया. फ़ाइल लगी विच डज़ नॉट मीन आपका वीज़ा आ गया. ऑफ़र लेटर मतलब कोर्स और कॉलेज कैसे डिसाइड कर रहे हो, कौन सा कॉलेज ले रहे हो, कौन सा कोर्स ले रहे हो, फाइल किस तरह से लगा रहे हो, एसओपी आपकी कौन बना रहा है. एसओपी कट कॉपी पेस्ट करके नहीं होती कि एक एसओपी बन गई उसी को चलाए रखो नेट से निकाल के. उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, कहाँ से एडिट किया, कहाँ से किया. बिकॉज हमारे लोकल कंसल्टेंट, लोकल वही स्टाफ आपकी एसओपी बनाता है. माय नेम इज़ दिस, ये इंट्रोडक्शन से ये मैं कोर्स जा रहा हूँ, ये मैं कॉलेज जा रहा हूँ. सी, अगर वही एसओपी से वीज़ा आने होते तो ऐसा ही कि ऑफ़र लेटर भी साथ होता है. उनको पता है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स पे जा रहे हो, और आपका पासपोर्ट होता है, उनको पता है आपका नाम ये है और आपका डेट ऑफ बर्थ ये है. दिस इज़ नॉट द एसओपी. एसओ मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. वी नीड टू मेंशन कि आपका व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो, एंड दैट पर्पस हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन, जिसके बेसिस पे वीज़ास आते हैं और वीज़ास नहीं आते हैं. सो फिर से मैं वही बोलूँगी कि डिफरेंस है ऑफ़र लेटर, फाइल लगाना और वीज़ा लेना, तीन चीज़ों में डिफरेंस है. हाँ, ये रिलेटेड है, बकायदा मैटर करता है कि आपने ऑफ़र कॉलेज कौन सा लिया, कोर्स कौन सा लिया, फ़ाइल कहाँ से लगवाई. ठीक है, फ़ाइल बनाने को कोई भी आपको बना के दे देगा नेट से करके, ये लो फाइल लगा दो अपने पोर्टल से. नो, रेफरल यूनिवर्सिटी फ़ाइल भी अपने नाम से लगाएगा, विद द नेम ऑफ रेफरल यूनिवर्सिटी सिग्नेचर जाएंगे हमारे डायरेक्टर्स के, बिकॉज मिस्टर स्वर्ण सिंह संधू जो हमारे MD हैं, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग यू ऑल. ठीक है, सो उनके सिग्नेचर के साथ, उनके रेप फॉर्म के साथ फ़ाइल आपकी जाती है. SOPs हमारी आज भी कैनेडा ऑफिस से बन के आ रही हैं. इवन जैसे कि हर एक जगह पे पता है, सबको पता है, फिर बता देती हूँ कि हमारा काम सिर्फ आपको वीज़ा लगवाना नहीं है. वी आर देयर फॉर यू आफ्टर वीज़ा एज वेल, मतलब टिल योर परमानेंट रेजिडेंसी तक वी असिस्ट यू. मतलब वी विल असिस्ट यू हर एक स्टेप पे. आपकी फैमिली ने जाना है, आपके पेरेंट्स ने जाना है, आपके स्पाउस ने जाना है, किसी ने भी जाना है. कल को आपको वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, मतलब इट्स लाइक नॉट द थिंग कि आपका वीज़ा आ गया और बात खत्म होगी. दिस इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीबडी. सो थोड़ा सा रिक्वेस्ट इन द एंड फिर से मैं करूँगी कि थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, फ्रॉडलेंट से बचो.